गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज निखिल अखवानी, योर साइंस टीचर एट द स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। पिछले लेक्चर में अपन ने टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के बारे में पढ़ा था, जहां अपन ने देखा था कि टेम्परेचर की 3 स्केल्स होती है और उन्हें कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक स्केल्स को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपन ने सीखा था। आज अपन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. वो टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करें अपन, तो वो जो टेम्परेचर होता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इंटू अ गैस और वेपर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, वो टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में या फिर वेपर में एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसे अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता होगा जिसपे लिक्विड या तो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए अपन ने, गैस और वेपर। तो इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अपन वाटर की बात करते हैं, तो वो नॉर्मली अपन बात करें तो रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर है अपने पास, और एग्जांपल के लिए मेरे पास एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो वाटर तो रूम टेम्परेचर पे किस में एग्जिस्ट कर रहा है, अपना लिक्विड फॉर्म में। वही नाइट्रोजन गैस की बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसेस फॉर्म में है। तो वाटर जब कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं वेपर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। वहीं अगर अपन गैस की बात करें तो गैस क्या होती है, वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसेस फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या हुआ, वो हीट एनर्जी जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट होती है, तो जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एक स्टेट जो है उसे दूसरे स्टेट में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज करना है, मान लीजिए कि मेरे को सॉलिड से लिक्विड करना है या लिक्विड से गैस करना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। तो वो जो हीट एनर्जी जितनी सप्लाई करते हैं अपन, कितनी हीट अपन को लग रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट हीट जो होती है वो दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। पहले डिफाइन कर देते हैं इसे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर विथाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख दिया अपन ने, अब इसे समझने की कोशिश कर। तो एग्जांपल से यूँ समझिए कि जैसे मेरे पास आइस है, आइस को मुझे मेल्ट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आइस अपन कंटिन्यूसली उसे हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
अब जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो हीट सप्लाई करते करते जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से पहुँच जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस जो होती है वो मेल्ट होती है लिक्विड पे, लेकिन एकदम से तो पूरी आइस मेल्ट नहीं होती, धीरे धीरे क्या होती है वो मेल्ट होती है। तो अब जब वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, वो वहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, तो अब अपन जब उसे हीट सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो इंक्रीज नहीं होगा। मतलब क्या होगा, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक होगा ऐसा, जब तक कि वो पूरी आइस वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, मतलब पूरा वो सॉलिड वाला जो पार्ट है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो इस बीच में क्या हो रहा है कि अपन कंटिन्यूअसली हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वो हीट एनर्जी का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अपन को पता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा ज्यादा, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ये वाली जो हीट एनर्जी अपन सप्लाई कर रहे हैं वो यूज होती है। इसी हीट एनर्जी से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, ना कि इसका टेम्परेचर उसके उस जगह पे वो इंक्रीज होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of heat required to convert 1 kilogram of water की बात कर लेते हैं, water into its vapors at atmospheric pressure without changing its temperature at its boiling point। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये भी वही केस है, अब अपन को क्या कन्वर्ट करना है, लिक्विड को अपन को गैस में या वेपर्स में अपन को कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही अपन को पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे जैसे अपन हीट सप्लाई करते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। एक केस ऐसा आ जाएगा कि जब हीट सप्लाई करने का तो अपना जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो अपना लिक्विड फॉर्म था वाटर का वो अब क्या में कन्वर्ट होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा था, पहले अपन हीट सप्लाई करते जा रहे थे और टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वहां पर कुछ टाइम के लिए वो जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको ब्रेक करने में वो जो अपन हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो यूज होगी। तो इसको भी अपन इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही अपना पूरी की पूरी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में फिर क्या होगा, पूरा कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जो अपन डिफाइन करते हैं, फ्यूजन की बात करें या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, तो इनको डिफाइन करते हैं अपन स्टैंडर्ड टर्म्स से, 1 किलोग्राम से। हमेशा अपन क्या करते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लेंगे इसमें, और यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बताएंगे, अपन बोलते हैं लिक्विड ले लेंगे। इस तरीके से अपन इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, जैसे सेकेंड वाले केस में बताऊँ कि अगर इसका मेरे को ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास ये टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ,
तो हीट जैसे जैसे हीट करता जाऊंगा उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अपना 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इस 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद अब क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए इसी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, मतलब अपन हीट तो सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन क्या होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही क्या होगा, वापस उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये अपना इसका ग्राफ भी बनता है। ऐसे अगर अपन बनाना चाहें ग्राफ उसका लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन के लिए, तो वहां पे भी अपना ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। वैसे एक चीज समझ जाए, तो यहाँ पे जो वर्ड है अपने पास लेटेंट, जो अपन दोनों चीज में यूज कर रहे हैं, इस लेटेंट का मतलब होता है हाइड या हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ मतलब कि जो अपन को दिखता नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अपना वो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसमें टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो एक तरीके से अपन को लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी है जो यूज ही हो रही है, और वो कौन सी एनर्जी है जो छुपी हुई है। तो ये अपना टॉपिक आज का खत्म हो गया। होपफुली आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब और इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।